Uh, we will discuss how academics and curriculum could be fulfilled through children play. so in contemporary society, it is rather unfortunate that the curriculum has been designed to favor largely the academic achievement for early learners as compared with play and the potential positive outcomes that it holds for children. खेल के बारे में काफ़ी फ़ायदे गिनवाए हैं आपको खेल को खेल की अहमियत को उतना नहीं समझा गया जितना कि एकेडमिक्स और करिकलम को समझा गया है तो अब जो नई रिसर्च हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो जो अर्ली चाइल्डहुड पे काम कर रहे हैं उनका ख्याल है कि हम इन एकेडमिक्स को और अपने अपने करिकुलम में जो भी हमने लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं इनको खेल के ज़रिए भी हासिल कर सकते हैं तो so, मिसाल के तौर पर अगर हम बच्चे को मैथ के कॉर्नर के पास ले जाएंगे और उसको बहुत से ऐसे एक्विपमेंट देंगे एजुकेशनल गेम्स उसको प्रोवाइड करेंगे कुछ जिग्सॉज हैं कुछ ब्लॉक्स हैं कुछ गिनती वाली चीज़ें हैं तो वो सिर्फ खेलेगा ही नहीं बल्कि अपने एकेडमिक आउटकम्स को भी वो पैदा कर सकता है यानी वो अपने लर्निंग आउटकम भी हासिल कर सकते हैं तो ऐसी सूरत में खेल को और एकेडमिक्स को साथ साथ लाना है बल्कि प्ले को इंटरनलाइज करना है करिकुलम के अंदर फिर फॉर दिस पर्पज स्कूल हेड्स एंड टीचर्स आर ट्रेन टू इनकॉपोरेट एकेडेमिक्स इन प्ले देखिए अगर हमें एकेडेमिक के लर्निंग आउटकम खेल में से हासिल करना है तो हमें अपने खेल को ऐसे प्लान करना होगा कि जो चीज़ें हम चाहते हैं बच्चे वही चीज़ें उनके यानी उनकी लर्निंग उसी तरह से हो लेकिन हो खेल के जरिए तो इसके लिए इस को और जो स्कूल के हेड्स हैं या जो भी केयर टेकर ऐसे हैं जो बच्चों की तालीम में स्टेक uh, होल्डर्स हैं उनकी तरबियत की जानी चाहिए उनको ये बताया जाना चाहिए कि भाई किस तरह से बच्चे खेलें भी और आपके जो एकेडमिक्स हैं उनके लर्निंग आउटकम्स भी हासिल करें मसलन अगर हमारे करिकुलम में ये लिखा है कि हमारा अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा सौ तक गिनती सीखेगा तो क्यों ना हम उसको बहुत सी ऐसे बीड्स काउंट करने के लिए बंटीज के लिए जरिए जो बंटी से वो खेले और गिने और रेड अलग कर ले ब्लैक अलग कर ले और इस तरह से सीखे या जो डिफरेंट ऑपरेशन हैं जैसे प्लस है माइनस uh, है एडिशन है या सब्रैक्शन है इनको करने के लिए भी उसको मुख्तलिफ मुख्तलिफ्जेक्ट दिए जा सकते हैं और वो उनसे खेलता रहे गिनता रहे तो उसको वो सारी चीज़ें आ जाएंगी ऐसा नहीं है कि खेल के जरिए बच्चे सीखते नहीं हैं इवन इन एकेडमिक्स प्ले बूस्ट द चाइल्ड ग्राफ्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन इम्पार्टेड इन हेम और हार तो ये बात तो तयशुदा है बहुत से हमारे राइटर्स जो हैं उन्होंने ये लिखा है कि जब बच्चे खेलते हैं तो उस वो इतना कुछ सीखते हैं जो शायद आपका करिकुलम उसको फोकस ही ना कर पाए मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग और इतनी क्रिटिकल थिंकिंग जो बच्चा सीखता है जो लॉजिक इतनी सीखता है जैसे लॉजिक जो है उसको मैथ की बुनियाद कहा जाता है

तो देखिए बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं जिनमें यही पता चला है कि जो बच्चे खुल के खेलते थे जिनको बहुत ज़्यादा खेल के मौाक़ दिए गए जी भर के उन्होंने हर तरह से अपनी मर्जी की उनकी जो परफॉर्मेंस है करिकुलम के अंदर या एकेडमिक्स के अंदर उन बच्चों से कहीं बेहतर थी जिनको बड़ी रेस्ट्रिक्टेड खेल की इजाज़त थी या सिरे से ही नहीं थी तो जब हम समझते हैं कि खेल के ज़रिए बच्चे अपने एकेडमिक्स को भी बेहतर से अचीव कर सकते हैं तो फिर उनको खेल का मौका ज़रूर दिया जाना चाहिए देखिए हाँ अगर हमें कुछ वर्ल्ड एराउंड के लिए उनको सिखाना है तो क्यों ना उनको इर्द गिर्द के माहौल में आज़ादाना खेलने की इजाज़त दी जाए वो पत्तों को देखें फूलों को देखें ज़मीन की मट्टी को वो मुशाह करें आसमान और ज़मीन की चीज़ों का मुशाह करें चाँद तारे सितारे तो क्या वो ज्यादा नहीं सीखेंगे यकीन और उनका वो जो तखयल या कॉन्सेप्ट होगा वो पहले से ज्यादा मजबूत होगा जो सिर्फ किताब में लिखा है तो इसलिए एकेडमिक्स को खेल के जरिए भी इक्वली अचीव किया जा सकता है